कुछ समय ऐसा भी हो कि यहाँ की कमाई तो बहुत कर रही या वहाँ की भी कमाई हो जाए कुछ बेड बने, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर के हमने कही झोली में क्या लाया तो खा लिया, खा ली हमने जो कमाया तो वही रहेगा। नाम बताइयो। अजब सुन, उनका नाम अनीता। अनीता, अनीता उल्टा हाथ दिक्कत क्या है? दिक्कत घर में तो कोई ऐसी नजर आ नहीं रही, सब कुछ ठीक है। हम तो भी जात लगा गाय नगरकोट से मंजूर है और तीव्रता रखने की तैयारी हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके घर में। दिवाली पर देवता रखेंगे कल को। मुझे क्या परेशानी क्या होगा? देखो जो पैसे की तंगी तो हर आदमी पर होती है कभी भी, पैसे की तंगी आ जाना ये हमारे प्रारब्ध का कारण भी होता है ना पिछले जन्मों का, और ये लक्ष्मी की कृपा खुद की होती है, कभी आ गई कभी चली गई, तो कभी कभी हाथ तंग हो जाता आपका, बाकी घर में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया। मैया रानी के प्रोग्राम जो मंदिर सब ठीक बढ़िया तरीके से मंदिर है, खूब कृपा बरसेगी, खूब मैया की कृपा चाहिए मुझे। मन से धाया आपने, पैसा भी लगाया और पैसे में भी आपने कहीं कंजूसी नहीं करी है, सब धामों को घूम के आए हो। देवता स्थान मांग रहे हैं, देवता को भी स्थान दे रहे हैं, उनको अपना स्थान बना रहे हैं, उनका जगह पवा रहे हैं देवता को। पहला स्थान कहाँ था उनका? पहले स्थान तो पता नहीं, बड़े बूढ़ों ने कहाँ बनाया था कहाँ नहीं, ये दूसरा गाँव है ना, यहाँ पे हमारे चाचा की ससुराल थी पहले, अभी मतलब ससुराल है, तो दूसरे गांव से बेच करके वहाँ से यहाँ आ गए थे। अब किसी ने बताया कि बस देवता वहीं छोड़ी आए, वहाँ से लेके नहीं आए, तो वहाँ से मैं मिट्टी उट्टी ले आया था। बड़े बूढ़े ने छत पे धरा के पहले, बड़े बूढ़े इन्होंने कहीं अपने वहाँ रख लिए, कहीं किसी ने नवाया धवाया क्या करा क्या नहीं। अब स्थान कहाँ दे रहे हो? खेत पे। पेड़ है वो कोई? हाँ पेड़ खेत पे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जहाँ अब आप बना रहे हो पेड़ वहाँ लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे। बड़ वाली कुटी है जो ये ब्रजघाट को जाते हैं, गौशाला है, हाँ गौशाला के पास में खेत है, खेत पे ही दे रहे हैं स्थान। ऊंचा करके बनाना, हाँ ऊंचा करके ऐसे बनाना जो उसमें बारिश वारिश की गंदगी ना जाए, कुछ नहीं इतने ऊंचा। बाकी एक पेड़ लगा दियो जिससे छावा रहे, आपके ना देवता नाराज हैं, ना आपसे देवी नाराज है, ना कोई देवता नाराज है। जी मुझे सपने क्यों रात पर दिन दिखाई देते हैं? जो नहीं है कभी 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 नहीं, रोज मतलब सांप भी दिखाई देते हैं ना सब चीज, हाँ सब चीज दिखाई देती है, ऊंचे नीचे पानी तालाब सब चीज दिखाई देती है रोज ही। कानों में मेरे 1.5-2 साल के कानों में रात दिन झंकार निकलती रहती है, जैसे कोई कीड़ा सीटी सी बजती रहती है, सीटी बज रही देवी का असर है, माँ का असर है, दिमाग एकदम गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, माँ का माँ की चटकी आती है आपके ऊपर हल्की हल्की, खुल नहीं रही है, खुल नहीं रही है, हल्का सा असर आता है माँ का। पूजा करने बैठती हूँ तो ऐसे जवाई आती है, जवाई आती है और ऐसा भी लगे शरीर हल रहा है, हाँ खुल के नहीं आ रही ना, खुलवाना चाहोगे शक्ति को? अरे नहीं मेरे बस की नहीं है, बड़ा खुलवाना फायदे की है, फायदे की। 2-3 साल हो गए बहुत परेशान हूँ, हाँ तो इसलिए तो तुम पे रुझो है, रुझो होने के बाद में तुम हर किसी को नहीं मिलती है ये चीज़ें, बड़े भागशाली होते हैं वो, खुद चुनती हैं कि हमें किसके ऊपर कृपा करनी है, किसके ऊपर जाना, हमें नहीं मिले। 2-3 साल हो गई जी और मन को शरीर को थाम के बैठती हूँ मैं, शरीर को भी अपने को। बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, क्रोध हाँ। भी आता है, गुस्सा भी आता है, हाँ। और ऐसा भी होता है कि शरीर में क्या भर गया जुनून सा, हाँ। पूजा पे बैठते हैं और आपको जवाही आ रही है, उबासी आ रही है, आ रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, आ रहे रोने जैसा मन कर रहा है, हाँ। देवता की शक्ति होती है, देवी की शक्ति होती है, मैया रानी की कृपा। देखो मानो मैं तो जन्म सुनती आई हूँ, मैया मैया जाने या अगले नंबर
हम तो कल चले जाएंगे ना, कल चले जाओगे? हाँ, कल नहीं जाएंगे तो परसों चले जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम इसको जो है, हम तो मैया के शरणों में दर्शन करने आए। ये है आपका मामला कि आप पूजा कर रही हैं, बढ़िया कर रही हैं, मन से कर रही हैं। इसके साथ साथ जो आपकी पूजा हो रही है, उनका प्रवेश हो रहा है, वो अधूरा हो रहा है। ये चाह नहीं रही है, चाह नहीं रही है ऐसे, ये नहीं चाह रही। हाँ, वो आना चाह रही है, वो आना चाह रही है। सुख शांति में डाल दो, मामला जो है उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मन से मानते रहोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी घर में, वो बात अलग है। छोटा मोटा रोग हो गया या हाथ तंग हो गया, वो तो फिर दुनिया में तो चलती है, ऐसे चलती है, ऊपर वाली कृपा है। और कोई बात? बस जीतना ही चाहिए, बस शांति चाहिए, सुख शांति रहेगी घर में, सुख शांति। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है, उन्होंने आपका फूल प्रसाद बड़े मन से स्वीकार करा है। हर किसी का नहीं होता। ये मैंने ये इनके भाई हैं छोटे, ये जो कृपा है इनकी जी, उसमें ला रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं हर उसका, यहाँ आने के बाद में जी जान से सहयोग चल रहा है। शांति चाहिए। बस एक ध्यान रखना, एक तो कभी किसी के साथ कोई छल मत करना, कपट छल। दूसरे पूजा भक्ति से ध्यान कमजोर ना पड़े, बस कोई कमी नहीं आएगी जिंदगी में। नहीं भगत जी, ये तो आज तक हुई नहीं है, और उम्मीद भी ऐसी है कि नसीहत तो हो गए भी ना। चलो हमारे बड़े लड़के, बड़े लड़के का देख सको है, बड़े लड़के का बचा सको कुछ, उस पे होता तो बढ़िया देखा जाता। प्रदीप कुछ काम आदमी सोच रहा है, मैया बनेगा नाम जो अपना उसका है वही नाम, ठीक है, उसका नाम अलग कर रखा है। हां प्रदीप जिस काम को दौड़ रहा, कामयाबी 15 साल हो गए उसको, लक्के खाते खाते उसका कोई कामयाब सोच रहा है काम, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। मुंबई रह रहा है, वहाँ रहता है, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, काम बन जाएगा बस, उसकी ज़्यादा है, उसी की टेंशन है।